पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ जबानों में डब करके नशर किए जाने वाले मशहूर तुर्किश ड्रामा इर्तुरुल गाजी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। पाकिस्तान में उर्दू जबान में नशर होते ही ड्रामे ने मकबूलियत में जब तुर्की को पीछे छोड़ा तो तुर्किश ड्रामे के प्रोड्यूसर ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी फनकारों के साथ काम करने का ऐलान कर दिया। इर्तुरुल गाजी के प्रोड्यूसर और राइटर मोहम्मद बोजाक का कहना है कि मैं हैरत सदा हूँ कि दोनों ममालिक की गहरी दोस्ती के बावजूद हमने अभी तक मिलकर एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया। अब वक्त आ गया है, अगर तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ड्रामे और फिल्में बनाएं तो पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। दोस्तों, अगर आप भी इर्तुरुल गाजी शौक से देखते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में इस ड्रामा सीरियल के बारे अपनी राय का इजहार जरूर करें। इर्तुरुल गाजी के प्रोड्यूसर मोहम्मद बोजदाग ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे को भाई कहते हैं लेकिन आज तक आर्ट्स और कल्चर में हमने शराकत नहीं की। मोहम्मद बोजदाग का मजीद कहना था कि दोनों बिरादराना ममालिक की सरहदें अलग हैं मगर दोनों कौमों की एक ही रूह है। जब हम में से किसी एक पर मुसीबत आती है तो हम मिलकर काम करते हैं, इसी तरह हमें अच्छे दिनों में भी इकट्ठे काम करना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान में ड्रामे की मकबूलियत के हवाले से उनका ये कहना था कि उनका प्रोजेक्ट किसी मगरबी ड्रामे या इस्लाम फोबिया के रद्द अमल में नहीं है। इस ड्रामे को बनाने का मकसद मुस्लिम फतुहात की तारीख को जिंदा रखना है। इर्तुरुल गाजी के प्रोड्यूसर ने मजीद कहा कि मुस्लिम दुनिया में ताजमहल से लेकर अलहमरा तक फनून और तारीख आला तरीन मिसालें कायम हैं। आज हमें पूरी दुनिया को इस्लाम की खूबसूरत आवाज़ से आगाह करने की ज़रूरत है। तुर्किश ड्रामा इर्तुरुल गाजी पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद YouTube पर भी नए सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और अब इसके प्रोड्यूसर ने पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स और फनकारों के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इर्तुरुल ड्रामे के प्रोड्यूसर मोहम्मद बोजदाग ने तुर्की के खबर रसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसलमानों को ना सिर्फ सियासत और तिजारत बल्कि आर्ट्स और कल्चर में भी मिलकर काम करना चाहिए। उनका कहना था कि इसलिए सरमायाकारों को इन शोबों में भी सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। मोहम्मद बोजदाग का मजीद कहना था कि हमें अपना तजुर्बा पाकिस्तान से शेयर करना चाहिए और उन्हें अपने तजुर्बात हमारे साथ, हम इकट्ठे मिलकर ऐसा काम तख्लीक कर सकते हैं जो दुनिया को हिलाकर रख देगा। मोहम्मद बोजदाग का इर्तुरुल ड्रामे की पाकिस्तान में मकबूलियत के बारे कहना था कि उनको तवक्को थी कि ये ड्रामा पाकिस्तान में भी मकबूल होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इतने मुख्तसर से अरसे में ये इतना ज़्यादा मकबूल हो जाएगा। उनका कहना था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इर्तुरुल गाजी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मकबूल हो गया है। दोस्तों, इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।